हमें तो बस चाहना आता था, उन्होंने नफरत करना सिखा दिया। हमें तो बस चाहना आता था, उन्होंने नफरत करना सिखा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम दयाशंकर कंठ है और आज मैं वापस से अपनी लिखी कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, साथ में मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। पता नहीं इतनी क्या नफरत हो गई थी उनसे कि जिनकी एक आह तक पे तड़प उठते थे हम, आज उन्हीं की तड़प में सुकून ढूंढते हैं। अब उन्हें तड़पता देख भी नहीं सकते और दिल को सुकून भी चाहिए, तो बस उन्हीं के सिखाए रास्ते पर उन्हीं से नजरें चुरा के चल देते हैं। पता नहीं इतनी क्या नफरत हो गई थी उनसे। बात बहुत छोटी सी थी। हमने उन्हें उनके औकात से ज्यादा प्यार कर लिया था। अब हमें क्या पता था उनकी हैसियत हमारे प्यार के घुटनों तक पहुंच के ही दम तोड़ देगी, वरना प्यार तो हम उनसे भी आवारा कुत्तों सा करते। पता नहीं इतनी क्या नफरत हो गई थी उनसे। पहली दफा किसी के चाहत में तड़पे थे इतना, पहली दफा किसी के चाहत में तड़पे थे इतना कि कसम से भूल गए थे किसे कहते थे तड़पना। पर उन्होंने एहसास दिलाया कि तपिस किसी के चाहत की हो या लोहे को पिघलाने की, आकार तो साला दोनों का ही बदलता है। पता नहीं इतनी क्या नफरत हो गई थी उनसे। उनके दूर जाने से ज्यादा पास आना खलने लगा था, उनकी बेपरवाही से ज्यादा परवाह करना खलने लगा था, उनका होना ना होने सा लगने लगा था। गलती ना उनकी थी ना मेरी, गलती तो बस मेरे चाहत की थी। इतना चाहा था उन्हें कि कसम से आज उन्हीं से नफरत सी होने लगी थी मुझे। लोग कहते हैं ना, चाहत की हदें नहीं होती, छूट है, बकवास है, हदें होती है, बस चाहत की उस हद तक कोई पहुंच नहीं पाता। हमें तो बस चाहना आता था, उन्होंने नफरत करना सिखा दिया। हमें तो बस चाहना आता था, उन्होंने नफरत करना सिखा दिया। ऐसा दिल तोड़ा हमारा कि साला हंसते हुए रोना सिखा दिया।